मोगा का स्पेशलिटी यही है, यहाँ पे जो ब्रिज है ना, ट्रेन ब्रिज, नीचे बीच में ट्रेन, ऊपर से व्हीकल, दर्शन करते संगत मोचन का। तो ये जो त्रिदेवी नाम है ये मतलब कैसा है? इसके लिए जो मंदिर है तुलसीदास, तुलसी मानस मंदिर है, काफी लोग श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे आते हैं। सो फाइनली हम है पिज्जेरिया वाटिका कैफे, पिज्जा खाएगा ना? यस। सो फाइनली यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया है, यहाँ पे पार्किंग कुछ हमसे 50 रुपये चार्ज किया है, और अभी जा रहे हैं अभी नमो घाट पे। अभी हम लोग हैं नमो घाट पे, नमो घाट का स्पेशलिटी यही है, यहाँ पे जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन प्लस व्हीकल दोनों एक ही है, मतलब बीच में ट्रेन का रूट है और उसके ऊपर वाला जो है वो अपना व्हीकल का है। धूप बहुत है, चलो देखते हैं घाट, देखते हैं। ये है घाट, यहाँ पे ना CNG स्टेशन भी है, ये आप देख पा रहे हो ना सामने, ये सामने CNG स्टेशन है, मतलब जितने भी जो बोट है ना अभी, वो जो डीजल बोट है उसको अभी हम लोग इन लोग CNG में कन्वर्ट कर रहे हैं, और CNG रिफ़िल करना रहेगा तो इधर आके वो लोग रिफ़िल करते हैं। तो बेसिकली CNG स्टेशन भी ऐसा इस घाट पे अवेलेबल है, ऐसा जैसे कि एम्बुलेंस। घाट में नया कॉरिडोर है घाट, ये नया घाट बना है, बेसिकली 1 साल ही या 2 साल हुआ रहेगा नमो घाट बन के, आई थिंक 1 साल 1.5 साल हुआ है, लेकिन सही है, अच्छा है, मतलब पूरा घाट, और हवा भी एकदम ठंडी जा रही है, मज़ा आ रहा है। लेकिन घाट पे आने का यही रहता है कि आपको आते हैं आपको बहुत सुकून मिलता है, मेरे को तो बहुत सुकून मिलता है, कैसा आता हो ऐसे लगता है कि बेहतर है, बेसिकली शाम को आने का यहाँ पे लंबा बैठने का, सुकून से हवा खाते रहने का, गंगा मैया का हमें बेहतर रहने का। और ये रहा नमो घाट, इसको नमो घाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा इसका स्टैचू है नमो। ये अगर आपको पता रहेगा तो इधर ये जो घाट का पानी है गंगा का, ये नमो घाट तक आ गया था, मतलब नमो जो स्टैचू है ना यहाँ तक आ गया था, अभी देखिए कितना नीचे है और ये यहाँ तक आ गया था, और यहाँ पे ऋतिक मस्ती करते हुए यहाँ पे बोटिंग भी किया जा रहा है। और जो मैं आपको कह रहा था ऊपर से देखिए, ऊपर से सारे फोर व्हीलर्स व्हीकल जितने व्हीकल है सब ऊपर से जाते हैं, और बीच में से अपना ट्रेन, और ये इंडिया में आई थिंक एक ही है, मेरे को तो और किधर देखा नहीं है, अगर आपको पता रहेगा तो कमेंट पे बताएं, मैंने तो यहाँ पे देखा। ये पता है CNG स्टेशन है, ये CNG है, CNG, हाँ जितने बोट है ना डीजल के चलते हैं ना, तो उसको CNG में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे आके CNG लोग रिफिल करते हैं। अच्छा है ना? हाँ, पानी में CNG स्टेशन है। हाँ ना, अपने उतना टाइम नहीं है, इधर बैठ के थोड़ा शाम में। हाँ नीचे देख, ये देखो देख रहे नीचे से ट्रेन, बीच में ट्रेन, ऊपर से बाइक, यही मैं कह रहा था, काफ़ी अमेजिंग लगता है अपने इधर, एक फैंटेसी है अपना ट्रेन का। ये यहाँ से पूरा ब्रिज को क्रॉस करते हैं ट्रेन, तो ये अपना नमो घाट, नमो नमः। तो ये जो अभी आपको मैं दिखाया था नीचे से, अभी जैसे मैं आपको दिखाया था कि ऊपर नीचे से ट्रेन, ऊपर से ये फोर व्हीलर सब व्हीकल जा रहे हैं, ये वही अभी हम लोग उसी ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, नीचे से अपना ट्रेन का लाइन है, ये अपना सामने नमो घाट, नीचे गंगा मैया। तो अभी हम लोग ये
संगत मोचन जा रहे हैं। तो हम लोग ने ऐसा प्लान किया, पहले सारनाथ जाएंगे, सारनाथ से हम लोग नमो घाट गए, फिर नमो घाट से हम लोग अस्सी घाट की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो जो रूट है हम लोग पूरे रूट को ऐसा कवर करते हुए फिर अपने होटल में डायरेक्ट चले जाएंगे। ऐसा माँ गंगा बहुत खूबसूरत भी लग रहा है और ब्रिज भी बहुत बड़ा है बहुत। तो फाइनली हम लोग संगत मोचन में आ चुके हैं और इधर आप लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, ये अपना गाड़ी और ये मंदिर। यहाँ पे थोड़ा पार्किंग का बहुत सारा इश्यूज है और ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ पे। चलो दर्शन करते संगत मोचन का। तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं है, तो लॉकर पे रखना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे लॉकर सिस्टम है, तो लॉकर में रखते कैमरा मोबाइल सब। तो फाइनली हमने संगत मोचन का दर्शन कर लिए। संगत मोचन का एक्चुअली अंदर कैमरा अलाउ नहीं, इसलिए आपको अंदर से दिखा नहीं पाया। संगत मोचन हनुमान का टेम्पल है, तो संगत दर्शन होने के यहीं पर, यहाँ पे ही है पीछे, अपने पीछे यहाँ पे है अपना संगत मोचन। और यहाँ से अभी सीधा हम जाए, अब इससे जाएगा हम लोग त्रिदेवी टेम्पल। तो त्रिदेवी टेम्पल जा रहे, देखते अगर वहाँ पे कैमरा अलाउ तो आपको अंदर दर्शन भी कराएंगे, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते। अभी लोग थोड़ा सामान ले रहे, खरीद रहे यहाँ पे बहुत सारे। मैंने ये दोनों लिया है, ये दोनों लिया है ये लोग सब। अच्छा अच्छा खूबसूरत मूर्तियाँ है यहाँ पे बहुत सारे। तो अभी हम लोग सुबह से निकले, सुबह 9:30 से सारनाथ गए, नमो घाट गए और शंकर मूचक देखा। तो अभी त्रिदेवी जाएंगे, फिर उसके बाद दुर्गा माता का टेम्पल है वहाँ पे भी जाएंगे, फिर उसके बाद देखते अस्सी घाट जाएंगे, अगर टाइम हुआ तो हम लोग गंगा आरती भी देख लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फिर वैसे भी अपना लास्ट डे अपना इस वाराणसी, काशी विश्वनाथ, काशी बनारस बोल लीजिए, वाराणसी बोल लीजिए, जो भी है ये अपना लास्ट डे। तो लास्ट में जितना एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं कर रहे, और अपने पास क्या अपना कैमरा है, अपना गाड़ी है, तो एक्सप्लोर भी कर पा रहे हम लोग। चलो हो गया, आप हो गया, तुम लोग का हो गया, हो गया, हो गया। मम्मी को है अरे यार तुम लोग का ना बोलो, माता है ना। अभी उसकी का भी फरमाइश हुआ है, खिलौना चाहिए उसको। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ। अभी रुचि को ऐसा आदत हो गया है कि अभी मम्मी और प्रीति खरीदते हैं ना, रुचि का हो गया तुम खरीदो तो मुझे भी चाहिए, तो मुझे भी खिलौना खरीद के चाहिए, तो इसलिए वो भी अपना शॉपिंग करने लग जाता है। तुम अकेला शॉपिंग करोगे, मुझे भी शॉपिंग करना है। देखो देखो देखो, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप संकट मोचन जा रहे, हनुमान की मंदिर जा रहे हो, तो जो पेड़ा है ना अंदर से लीजिए, अंदर आपको अच्छा रेट पे और मंदिर का फ्रेश चीज़ मिलेगा, बाहर आपको अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको अंदर मिलेगा। तो आप अंदर जाइए, आपको अंदर हर सुविधा मिलेगी, वॉशरूम मिलेगा, चप्पल रखने का जगह मिलेगा और मिठाई जो भी है आपको अंदर मिल जाएगा। तो ये आप याद रखिए, संकट मोचन आ रहे हो तो आपको अंदर हर सुविधा मिल जाएगी, तो बाहर से कुछ लीजिए मत, अंदर आपको अच्छा फ्रेश क्वालिटी का मिल जाएगा। सो ये है त्रिदेवी टेम्पल। चप्पल चप्पल से नहीं आ पाएगा, त्रिदेवी मंदिर। वाओ कौन, ये कौन सा माता है, सती माता, रानी सती माता। ये राम सीता लक्ष्मण है ना, और नीचे बालाजी, बालाजी। अच्छा तो ये जो त्रिदेवी नाम है ये मतलब कैसा है, तीन मंदिर है, मंदिर। अच्छा इसलिए फिर ठीक है, सॉरी।
ये कृष्ण भगवान है क्या? कृष्ण भगवान श्याम सुंदर। कृष्ण भगवान श्याम सुंदर, अच्छा काफी खूबसूरत सा मंदिर है। और एक्चुअली इस मंदिर का आप जैसे बताया पंडित जी ने कि ये तीन देवताओं का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे थ्री देव, लेकिन काफी सुंदर है मंदिर, काफी सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, आना चाहिए। मतलब मैं ये सब सोचा था, मेरे को लगा नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन हुआ। एक्चुअली काफी सुंदर मंदिर है और उतनी यहाँ पे एंजॉय ही कर रहे हैं बहुत। इतनी एक्साइटेड बोलती फोटो निकाला, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे सुबह से हम लोग 9:30 से निकले, लेकिन मुंह पे आपको देख के लग रहा है कि थकावट है, अभी भी इतना एनर्जी है कि और 2-3 मंदिर घूम लेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं दुर्गा माता टेम्पल जाते हैं। काशी विश्वनाथ तो कल हम लोग दर्शन कर लिए, तो वहाँ पे तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो अभी एक्चुअली कॉरिडोर का थोड़ा टाइम मिला तो निकालेंगे फुटेजेस, नहीं तो माँ दुर्गा टेम्पल जाते, उसके बाद डिसाइड करते क्या जाना है। तो बेसिकली अभी हम लोग दुर्गा माता टेम्पल जा रहे हैं और ये जगह थोड़ा ज़्यादा ही डेवलप है, जैसा जैसे कि सामने ट्रेंड का शोरूम है, दिवाली है तो अच्छे से, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना, आपको ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, पार्किंग का थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया संकट मोचन वहाँ पे पार्क कर दिया और अभी पैदल चल रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू 3 मंदिर साथ में एक ही लाइन में, तो यहाँ से चलते चलते हम लोग अष्टी घाट भी जगह पहुँच गए। अगर गंगा आरती देखने मिला तो गंगा आरती भी कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं तो फिर दुर्गा माता टेम्पल जाएंगे, तो इसको देखते किधर जाते, आपको आपसे देते रहेंगे लेकिन बताते रहेंगे आपको। ऐसे आपको कई सारे मंदिर देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि एक यहाँ पे हनुमान शनिदेव का मंदिर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। ओमी चलो ये देख के आते। हाँ यूट्यूब चैनल है मेरा, मुंबई से जानकी लक्ष्मण सामने, अच्छा राइट साइड में सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान, अच्छा और लेफ्ट साइड में माता अन्नपूर्णा, ऊपर एक म्यूजियम चलता है, दी बेस्ट सीनरी, ओनली 10 रुपी टिकट, यू कैन गो। तो बेसिकली जो मंदिर है तुलसीदास तुलसी मानस मंदिर है, तो जैसा भाई साहब ने बताया, देखते हैं अंदर, बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और यहाँ के जो इमेजेस पे मतलब सत्यनारायण का चित्र, आई थिंक ये अन्नपूर्णा माता है ना, ये कौन सा माता है, अन्नपूर्णा है क्या? अन्नपूर्णा है ना, हाँ हाँ तुलसी मानस मंदिर का, ये राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, हाँ लक्ष्मी नारायण, हाँ लक्ष्मी नारायण, जय नारायण। काफी सुंदर मूर्ति है ना, तो ये लक्ष्मी नारायण ये राम लक्ष्मण सीता माता हनुमान जी का मूर्ति, और ये अन्नपूर्णा मंदिर, काफी लोग श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे आते हैं। देखिए मतलब ऋत्विक भी वही कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से ऊपर जाने का भी है, लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हो, काफ़ी लोग जा रहे हैं, चलो ऊपर भी जाते हैं। आ जाओ इधर से आओ, श्री राम कृष्ण लीला झांकी, 10 रुपये का एंट्री फी है। सो फाइनली हम है पिज्जेरिया वाटिका कैफे, पिज्जा खाएगा ना? यस। सो तो शाम का एंड हम लोग इस कैफे से करे ख़त्म, आस्ती घाट पे आए, गंगा आरती देखा और यहाँ से पिज्ज़ा खा के फिर सीधा अपने धर्मशाला होटल पे नाइट आउट तो करेगा, वहाँ पे फिर सीधा कल के निकल जाएंगे। तो आज अपना ये शाम का इवनिंग यहीं पे ख़त्म करेंगे पिज्ज़ा खा के। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किए, हमने 2 पिज्ज़ा ऑर्डर किया, बेसिकली एक वाटिका स्पेशल है, एक ऑनियन गार्लिक मशरूम के साथ, एक पास्ता और एक
चीज गार्लिक ब्रेड आएगा तो आपको दिखाता हूँ, चले जोगा तो बेसिकली। हाँ गंगा आरती ना, बेसिकली जो कैफे है ये अपना आशी घाट पे ही है, तो आप कैफे में अगर पहले आ जाएगा तो आप कैफे के साथ साथ आप गंगा आरती भी देख सकते हैं, यहाँ से यहीं से बैठ बैठ के आप गंगा आरती भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग पहले गंगा मिल गया बाबा। हाँ इच्छा था कि एक बार गंगा आरती देख के जाएंगे, सो हो गया अभी। तो अभी इस कैफे में बैठ के ये गंगा का बोटिंग का नज़ारा एंजॉय करते हुए और अपना ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। हाँ यहाँ पे दिया बहुत सारे ये हो रहे हैं, ये जो तीन ब्लिंक हो रहे हैं ना वो दिया कि सब लोग ने ये किया है। बाबा ऑनियन गार्लिक विथ रोते क्या है पिज्जा। हाँ चलो खाते। तो अपना दूसरा डिश पास्ता, पिज्जा से ज़्यादा अच्छा होगा पास्ता लगा रियली। आखिरी आइटम गार्लिक ब्रेड, गार्लिक चीज ब्रेड बेसिकली। तो क्या एप्पल एप्पल पाए, एप्पल पाए खाओ, बताओ कैसा है जनता को, जनता को बताइए। बहुत अच्छा, विदाउट आइसक्रीम के साथ लेके ले खाओ ना, आइसक्रीम साथ लेके आइसक्रीम थोड़ा आइसक्रीम के भी अच्छा है। हाँ बिना से बहुत अच्छा, दोनों साइड में ले आराम से। वाओ तो ऐसा लग रहा था पिज्जा नहीं खा के यही खाओ क्यों। गार्लिक ब्रेड खत्म, गार्लिक ब्रेड खत्म करा ताकि एप्पल पाई खा सकूं मैं। हाँ स्मार्ट बॉय। हाँ